Everybody, and I know you are having a good time, and this is really no time to give you a big lecture about anything, but this whole event was conceived, it was thought about because of a cause. And me and Nalini, we were thinking that how can we can do something to bring everybody's attention in this city towards a very, very big burning issue of breast and cervical cancer. So I'm not here to give you a big lecture, but I just want to draw your attention to certain facts. You just saw such pretty woman, right? We saw such pretty woman. An Indian woman is a great woman. They are doctors, they are engineers. Look at that slide. And you look at the pride of Indian women. Politicians hain, judges hain, doctors hain, chief ministers hain, right? But dusri taraf dekhiye. हमारे देश में हर साल 8 लाख औरतें अपनी जान सिर्फ ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर से गंवाती हैं। पिछली स्लाइड दिखाइए तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि पिछले 25 साल में जब हमारे देश की महिलाएं कहां कहां नहीं पहुंच गईं, तो पिछले 25 साल में एक्चुअली हमारी महिलाएं ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर से ज्यादा मर रही हैं। ऐसा क्यों? आगे देखिए, लेस देन 50% महिलाएं एक्चुअली अपने स्वास्थ्य के बारे में डिसीजन लेने में खुद इन्वॉल्व हैं। और आगे देखिए, 1.85 मिलियन ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ ब्रेस्ट कैंसर की वजह से जाती है। अगर हम आगे देखें तो चौंका देने वाला आंकड़ा है, सर्वाइकल कैंसर किल्स 200 वुमेन एवरी डे। अगर आप उत्तराखंड अपने प्यारे प्रदेश के आंकड़े देखें तो हर दिन 2 नए केसेस ब्रेस्ट कैंसर के और 2 नए केसेस सर्वाइकल कैंसर के पकड़े जाते हैं। 200 लोग रोज मरने का मतलब ये है कि एक A320 एयरबस रोज क्रैश होती है। एक क्रैश की न्यूज आती है, हम इतना वरिड होते हैं, पूरा मीडिया उसके बारे में बात करता है, पर 200 औरतें जो रोज ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर से मरती हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आज ये जो हमने इवेंट रखा है, ये सिर्फ अपनी प्यारी मदर्स, सिस्टर्स, वाइफ्स, कजन्स, गर्लफ्रेंड्स, आप सब लोगों की, सारे जितना पुरुष वर्ग है उसको ये याद दिलाने के लिए रखा है कि उनकी तरफ भी हमारे समाज की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं बहुत ज़्यादा डेटा दिखा के आपको बोर नहीं करना चाहती, बस थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर या जिसको हम लोग यूट्रस के माउथ का कैंसर कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रिवेंटेबल कैंसर है। और अगर हम बाकी वर्ल्ड को देखें तो पिछले 10 सालों में अमेरिका में एक भी इन्वेसिव कैंसर नहीं पकड़ा गया, और वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 25% मोर्टालिटी ऑफ सर्वाइकल कैंसर। दैट मीन्स अगर पूरे वर्ल्ड में 2 लाख औरतें मरती हैं तो उसमें से 70,000 हमारे देश में हैं। क्या ये शर्मनाक नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं हम अपनी हेल्थ का कंट्रोल कर पा रहे हैं? सो आज हम सबको एक प्लेज लेनी है कि हम स्क्रीनिंग के लिए आगे आएंगे। अगर हम आगे चलें, थोड़ा सा एक ब्रेस्ट कैंसर की तरफ देखें, आगे की स्लाइड्स की तरफ देखें। सी, ब्रेस्ट कैंसर जो है लेडीज में सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इसका इंसिडेंस बढ़ता है। आगे चलें तो हम देखेंगे कि हमारे देश में लगभग 2 लाख नए केसेस ब्रेस्ट कैंसर के भी हो रहे हैं। इस पूरे ग्रुप में किसको ब्रेस्ट कैंसर होगा कोई नहीं जानता। अगर हम वर्ल्ड में देखें कैसे लोग ब्रेस्ट कैंसर को रोक रहे हैं, तो उसके सिर्फ 2 तरीके हैं। अर्ली डायग्नोसिस, ब्रेस्ट कैंसर को रोकने का और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है कि हम उसको जल्दी पता लगाएं। और जल्दी पता लगाने के लिए सिर्फ एक ही जरिया है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। क्यों नहीं हमारी इतनी इंटेलिजेंट औरतें करती हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन? बिकॉज वो अपना सारा समय अपनी फैमिली,
बच्चे और घर के काम में लगी रहती हैं, अपने प्रोफेशन में भी लगी रहती हैं, तो इतनी इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल वुमेन, हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ योर ब्यूटी. सो लेट अस ऑल टेक अ प्लेज दैट टुडे वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग सो मेनी पैम्फलेट्स. कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन हैज टेकन अ वाउ दैट वी आर गोइंग टू इरेडिकेट ब्रेस्ट कैंसर, नॉट इरेडिकेट यस, बट वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल ब्रेस्ट कैंसर फ्रॉम एटलीस्ट आवर स्टेट. सो आज हम ये इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. मैं ये चाहूंगी कि आप इसे प्लीज पढ़ें, बिकॉज एक एम्बेरसमेंट, शर्म या हेजिटेशन की वजह से हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं, सामने नहीं आते हैं. मुझे बहुत दुख होता है, पिछले 4 सालों में हम बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, बट उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम रहता है. मतलब जितने लोग आज ये फैशन शो देखने आए हैं, उसके 1/3 लोग भी हमारे कैंप्स में नहीं आते हैं. तो आज मैं चाहूंगी कि हम सब एक प्रॉमिस करें, सारे जितने माई मैन, माई ब्रदर्स, माई फोक्स हुआ हियर, आप सब वापस जाके कोशिश करेंगे कि 2017 खत्म होने से पहले आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ और आपकी डॉटर जरूर स्क्रीनिंग के लिए आए. हमारी कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन की वेबसाइट पे हमारे रेगुलर ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के कैंप्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है. और अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैंने बहुत लंबी स्पीच दे दी, बट आई रियली वॉन्टेड कि जिस मिशन से हमने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है उसके बारे में मैं 2 शब्द जरूर कहूँगी. और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिग्निटरीज हैं. अशोक कुमार जी, आपने अपना समय निकाला, हमारी डीजी हेल्थ डॉक्टर अर्चना ढौरी, डॉक्टर लूना पंत, डॉक्टर गीता खन्ना, डॉक्टर राजीव, बहुत सारे हमारे और ऑफिशियल्स, हमारी फॉक्सी की प्रेजिडेंट, हमारी नेक्स्ट प्रेजिडेंट इलेक्ट डॉक्टर सुमन सेठी, एंड ऑफकोर्स मेरी कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन के बहुत सारे मेरे पिलर्स ऑफ सपोर्ट, हमारे पेट्रन डॉक्टर महेश कुरियाल, हमारे सेक्रेटरी मिस्टर प्रवीण डैंग, एंड हमारे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मधुकांत जी एंड समीर जी, थैंक यू सो मच. अगर हमें और मेरे बहुत सारे फॉक्सी के डॉक्टर्स एंड अदरवाइज बहुत सारे और वॉलंटियर्स, वी हैव मोर देन 1000 वॉलंटियर्स विद कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन, और मैं चाहूंगी कि आज आप हमारे स्टॉल पे जाके जरूर ये इन्फॉर्मेशन लें कि हमारी फाउंडेशन क्या कर रही है. अब इसके बाद हमारी कैन प्रोटेक्ट वॉक है, एंड आई एम सो थैंकफुल कि मेरे फॉक्सी के फ्रेंड्स, मेरे IMA के फ्रेंड्स और हमारे कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन के मेंबर्स ने, डॉक्टर्स ने आपके लिए एक छोटी सी रैंप वॉक ऑर्गेनाइज की है. आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आप लोगों का यहाँ आना हमारी पूरी टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है कि एटलीस्ट देहरादून वॉन्ट्स टू वर्क अगेंस्ट ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर. थैंक यू सो मच.